यो व्हाट्स अप गाइस, एंगल से भी वीडियो कम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूं मेडिवियल हॉर्स कार्ट एड ऑन, जिसमें हॉर्स के पीछे गाड़ी आ जाएगी, यानी घोड़ा गाड़ी जो पुराने जमाने में चलती थी और वो बहुत मस्त होती है। उसमें आप विलेजर्स को बिठा के ले जा सकते हो, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। 4 से 5 विलेजर अलग अलग टाइप के सर्वाइवल में भी क्राफ्टेबल है। वैसे भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी नीचे लिंक पर, और डाउनलोड प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा और अप्लाई करने का भी प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको अपनी इन्वेंटरी में जाना और ये जो बेल्ट बनाए हुए थे इसमें जाना है, नीचे जाना है। आपको हर टाइप की हॉर्स कार्ट मिलेगी, क्रेटे में बस अवेल में भी क्राफ्ट कर सकते हैं आप लोग हॉर्स कार्ट विद एविंग विद गेट सब है। कोच मतलब जिसमें सामान लेके जाते थे, वैसे तो कोच बॉक्स ये सब क्राफ्टिंग के लिए, बाकी सब हॉर्स का सामान। और गाइस बाकी सब चीज़ें तो क्राफ्टिंग के लिए, कोच बॉक्स तो क्राफ्टिंग के लिए, व्हील वगैरह सब, और ये बाकी सब चीज़ें तो अपनी नॉर्मल है, और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, विलेजर स्पॉन निकालना पड़ेगा हमें, तो क्योंकि मैं विलेजर को बिठा के दिखाने वाला हूँ उसमें। तो यहाँ पे इसको सिंपली प्लेस करना है हमें, और ये आ गया हॉर्स कार्ट अपना। ये वैसा है जैसा थोड़ा रोम या जापान में राजकुमार को बिठा के ले जाते थे उसमें, वैसे ही बस विलेजर को स्पॉन करके धक्का मारना है और वो अंदर पहुँच जाएगा। पर पहले ये आगे पहुँचेगा क्योंकि वो सीट आगे की खाली है। पर आप ऐसा पहले इसमें बैठ के तब विलेजर के पास ऊपर चढ़ा दो गाड़ी और विलेजर उसके अंदर आ जाएगा अपने आप। बस कुछ भी करके आपको पहले बैठना है विलेजर से, और विलेजर को ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। सब अंदर बैठ गए ये लोग, पता नहीं कितने लोग बैठ सकते हैं, एक बार देख लेता हूँ अंदर जाके। डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी सब, कितने लोग बैठ सकते हैं। यहाँ 4 लोग बैठ गए, और लोग नहीं बैठ सकते, पर आगे 2 सीटें मेरे ख्याल से बैठ सकते नहीं बैठ सकते। एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं बैठ पाए बस 4 लोग ही बैठ सकते आगे और 2 लोग आगे। अब मुझे जल्दी से एक बंदे को मार के इनको जल्दी से बैठना पड़ेगा, तभी गाड़ी चल पाएगी अच्छे से। तो यहाँ पे इसे छोड़ते हैं, और ये घोड़ा जिस पर मैं बैठ नहीं सकता हूँ, घोड़ा चलाने के लिए यहीं से बैठना है। पर यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने कहीं पर भी चलना, जहाँ ही चलेगी वहीं पर गाड़ी चलेगी। पर जैसे अब मैं हॉर्स कार्ट विद केज में एक बार फिर बैठता हूँ, और अब विलेजर स्पॉन करता हूँ, हो सकता है इससे ये लोग पहले बैठ जाए। जैसे ये बैठ गए एक, बस ऐसे ही आपको सबको बिठा लेना है, उन पर चढ़ा देनी है गाड़ी। जैसे एक बैठ गया पर बैठाना ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर अगर ये लोग बैठ जाएंगे ना तो फिर काम हो जाएगा, आप जा सकते हो ईजिली। जैसे कि एक विलेजर बैठ गया बच्चा में सब ऐसे ही, और ईजिली इसको चला चला के कहीं पर भी ले जा सकते हो। अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ हैं इसमें, बैग खोल के आप सामान भी रख सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत सामान लेके जाना पड़े। अब इस वाली को हटा देते हैं हम, जैसे यहाँ पे विलेजर्स हो, यहाँ पे ज़ॉम्बी आ गए विलेजर को मारने, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बिठा देता हूँ। पहले लोग भाग गए उसको देखती, कोई नहीं ज़ॉम्बी वॉम्बी को छोड़ो। ये लोगों के जैसे बोट रखने पे बैठ जाते वैसे बैठ जाते। ये एविंग है जिसमें पुराने ज़माने में चलती थी, जिसमें सामान वामान रख के ले जाते थे साथ में। इनको बिठा के देखते हैं एक बार, ये बैठनी हुई आ गई बैठे के पहले, पता नहीं क्यों करते ये लोग ऐसे। इसमें वो कोडिंग उसकी थोड़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं होगी, पर जब अपडेट आ जाएगा उसमें सही हो जाएगा ऐसा, जिससे वो लोग आगे ना बैठे बस पीछे ही बैठेंगे। फिर आप लोग भी बैठ सकते हो इजीली उस गाड़ी में, और इनको भी बैठा सकते हो। ये अंदर घुस गए 2-3 लोग, अभी तो एक ही है, 2 आ गया, सबको बैठाते हैं, देखते कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें। ये भी बढ़िया ही है वैसे, एक बच्चा बैठ गया विलेजर का, एक बड़ा विलेजर बैठ गया, बस इतने लोग आ सकते हैं मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। बस अब मुझे कुछ भी करके जल्दी से बैठना है इनसे पहले, ऐसा तभी मैं गाड़ी चला पाऊँगा इनकी। जैसे मैं इसको मारते तो पहले जल्दी से, और मेरे को राइड को ऑप्शन आएगा, मेरे को उसको थोड़ा टाइम दबाना है, ऐसा करना पड़ेगा। पर ट्रेड का ऑप्शन आता था और पीछे वाला विलेजर जल्दी से आगे आता था, पता नहीं क्यों। जैसे राइड का ऑप्शन आ गया, जैसे आगे एक विलेजर चलते, और यहाँ पे इसमें तो 1-2 ही बैठ पाएगी मेरे ख्याल से, 2 ही बैठ सकते हैं इसमें बस, नहीं 3 हाँ 3 ही बैठ सकते हैं, और नहीं बैठे हुए इसमें 3 लोग। ये तो बहुत छोटी वाली है, इसमें कम ही लोग आते हैं, कोई नहीं, इसको हटाते हैं पहले और जल्दी से बैठने का ट्राई करते हैं। जैसे मैं बैठने वाला था, पर ये फिर बैठ गया विलेजर का बच्चा, राइड का ऑप्शन आ गया है। और ये है कोच जिसमें सामान लेके जाते थे और बैठ के जाते थे आराम से। इसमें देखते हैं कितने विलेजर आ जाएगा, मेरे ख्याल से 2 इधर 2 इधर 4 और आगे भी 2, 6 विलेजर आएगा इसमें आराम से, इसको आप आराम से चला सकते हो। पर ये विलेजर ऐसे आते नहीं है, उसके लिए भी एक टेक होती है ईजी टेक लाने की, पर वो टेक में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये थोड़ी ईजी टेक है, अगर आप इनको बिठा के ले आओगे बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। बस इनको घुसाना है अंदर, कुछ भी करके जबरदस्ती बस घुसा दिए इनको, ये घुसाया इसको भी, सब बैठ गए अंदर मेरे ख्याल से बैठ गए। बस इनके खोपड़े बाहर निकले हुए हैं क्योंकि इन लोगों की हाइट ज़्यादा लंबी है। अब मुझे बैठना है बस इस पर कुछ भी करके, तभी मैं गाड़ी चला पाऊँ जैसे मैं पहले चला पाया था विलेजर के बच्चे के साथ। हो जैसे मैं बैठ ही नहीं पाया, वो लोग फिर आ गए आगे, ये तो ट्रेड खुल गया गलती से मुझसे। इन विलेजर को ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, और जैसे पीछे चेस्ट लगा हुआ है इसका मतलब सामान ले जा सकते हैं, जब हम गाड़ी में बैठेंगे तब हम ओपन कर सकते हैं उसको, जैसा ओपन का ऑप्शन आ जाता है। पर अभी राइड का आ गया यहाँ पे ऑप्शन, ये बैठे हुए मेरे साथ विलेजर लोग, एक अपने आप उतर गया जो आगे बैठा हुआ था, 2 लोग बैठे थे उसमें से एक चला गया। अब गाड़ी को कहीं पर ले जाओ, इन विलेजर को लेके जाओ, कुछ भी करो, इनसे काम करो, इनको मारो पीटो या डुबो डुबो के मारो दो जिंदा,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी मर्जी है आपको कहाँ लेके जाना है इसको, अपने घर पे सीक्रेट बेस में। सीक्रेट बेस में ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर ले जाने का तो काम अलग है, गाड़ी तो इतनी बड़ी घुस ही नहीं अंदर। कोई नहीं, पर आप इसको कहीं पर भी इजीली ट्रैवल करवा सकते हो विलेजर्स को। अभी तो डूब के मर गए, मैं जैसे बोला था। कोई नहीं, इन लोगों को जाने दो नीचे, मैं ऊपर आ जाता हूँ। हाँ तो आप देखते हैं, आप इनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ईजी है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आपको डाउनलोड प्रोसेस दिखाता हूँ। आपको पहले नीचे लिंक पे क्लिक करना है जो डिस्क्रिप्शन में, उससे वेबसाइट में बताइए, सबसे नीचे जाओ, यहाँ लिखा है सपोर्टेड माइनक्राफ्ट वर्जन, यह डाउनलोड बिहेवियर रिसोर्स। मैंने पहले बिहेवियर को क्लिक किया, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, और क्लिक हेयर टू कंटिन्यू से होगा ये, आप लिंक वर्टेक्स पर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद आपको फ्री एक्सेस दबाना है। फ्री एक्सेस से होगा कि आपको 5 सेकंड के लिए ऐड देखना पड़ेगा और आर्टिकल डिस्कवर करने पड़ेंगे, बस 5 सेकंड के लिए दोनों चीज़ें। उसके बाद वो हो जाएगा, भाई मैंने पहले भी कर रखा है तो मुझे नहीं करने की जरूरत। जैसे मैं फ्री एक्सेस दबाऊंगा सीधा खुल जाएगा। उसके बाद रिसोर्स पैक है ये, उसके बाद आपको बिहेवियर भी डाउनलोड कर लेना है। अभी डाउनलोड हो रहा है, अब आपको वापस यहाँ जो नीचे टैब बने आ गए लिंक वर्टाइज MCP EDL, तो आपको वापस MCP EDL में जाना और बिहेवियर को क्लिक कर देना है। और जब डाउनलोड हो जाएगा ये दोनों के दोनों KB में ये दोनों पैक्स, उसके बाद आप पैक को बाहर से उड़ा सकते हो, बस अंदर से एक बार जब वो माइनक्राफ्ट में हो जाए आपके फ्री एक्सेस फिर से, और आपको 5 सेकंड ऐड देखने वो मैं देख चुका हूँ, तो बस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको ZRGY में जाना है। ZRGY अगर आप पे नहीं है प्ले स्टोर से लोड कर सकते हैं, और डाउनलोड में जाना, डाउनलोड का फोल्डर आप ये होगा सामने, इसमें जाओ और यहाँ पे है MCPack.zip बिहेवियर का और रिसोर्स का, दोनों का, एक को लॉन्ग टैप रीनेम .zip को हटा देना है हमें, और दूसरे को भी लॉन्ग टैप रीनेम और .zip हटा देना है बस। उसके बाद ओके कर देना है। अब हमें दोनों पैक को खोलना है, व्यू के आगे जो एरो आएगा उसको दबाना है, व्यू को नहीं दबाना है। उसके बाद आपका मोजैंग स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग चालू हो जाएगी, और लोडिंग चालू होने के बाद पैक इंपोर्ट होने लग जाएगा। बस यहाँ पे लोडिंग चालू हो जाएगा, एक मिनट नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, और फिर वो इंपोर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे लोडिंग चालू हो जाएगी 43%, 51%, और बस गेम लोड हो जाएगी थोड़ी देर में। उसके बाद आपका जो पैक है वहाँ पे इंपोर्ट होएगा, इंपोर्ट स्टार्टेड। बस अभी आपका पैक इंपोर्ट हो गया, बिहेवियर पैक। हाँ तो गाइस, उसके बाद आपको रिसोर्स पैक को क्लिक करना है, और उसके आगे व्यू के आगे जो एरो आएगा उसको दबाना है, और व्यू के आगे एरो दबाना है, आपकी गेम की लोडिंग चालू हो जाएगी वापस से, और आपका रिसोर्स पैक भी इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद। और उसके बाद आपको रिसोर्स पैक के इंपोर्ट होने के बाद आप अपने न्यू वर्ल्ड में लगा सकते हो, या एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में भी लगा सकते हो, बस उससे आपका पैक एक्टिव हो जाएगा। पर एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में अगर लगाओगे इस सर्वाइवल वर्ल्ड में, तो उसको डीएक्टिवेट मत करना, उससे गेम में वर्ल्ड में आपके ग्लिचेस आ जाएगा वापस, आपको ऐसा नए वर्ल्ड में एक्टिव करेगा किसी में भी करो, दोनों पैक एक्टिव हो गए। उसके बाद आप बैक को अपने वर्ल्ड में लगा के खेल सकते हो। हाँ तो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।